क्विक क्वेश्चन गाइस, क्या दंगल में जो आमिर खान की बॉडी थी वो स्टेरॉइड से बनी हुई थी या फिर वो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन थी? आइए इस पे बात करते हैं। What's up guys, welcome back to my channel One Space Fitness। और आज हम बात करने वाले हैं आमिर खान की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पे। फ्रेंड्स, इस पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं, बट मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दूंगा इसके रिगार्डिंग। बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि सर, बॉलीवुड में इतनी ट्रांसफॉर्मेशंस जल्दी हो जाती हैं, इतनी ट्रांसफॉर्मेशंस क्विक हो जाती हैं, बट व्हेन वी वर्कआउट इतनी ट्रांसफॉर्मेशंस हमें दिखती नहीं है, ऐसा क्यों? सी फ्रेंड्स, समझने वाली बात ये कुछ ऐसी है। आमिर खान has been working out, for quite some time now. बहुत टाइम से वो वर्कआउट कर रहे हैं। अगर हम दंगल से पहले की बात करें, उनकी और भी मूवीज आ रखी हैं, जैसे कि गजनी। गजनी में आमिर खान ने बहुत अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था। एंड आमिर खान इज़ अ वेरी मेथड एक्टर। वो अपने कैरेक्टर्स में घुसते हैं एंड टू परफॉर्म ईच एंड एवरी रोल। सो गजनी रिक्वायर्ड दैट, देन तारे ज़मीन पे रिक्वायर्ड अनदर टाइप ऑफ कैरेक्टर मॉड्यूलेशन, कैरेक्टर को डिफाइन करना जिसमें इतनी उनकी फिजिक नहीं थी। देन कम्स दंगल। जब दंगल का टाइम आया तो दंगल के टाइम पे उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि जैसे डायरेक्टर ने उन्हें पहले कहा था कि हमें पहले आपका जो सीन शूट करने होंगे वो करने होंगे आपके जो आपके ओल्ड एज के हैं, जिसमें आपका पेट निकला हुआ है, एंड देन वी कैन शूट फॉर योर यंग एज जहाँ पर आपकी फिजिक अच्छी है। बट आमिर खान ने उनको वहाँ पर ही डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि सी ही इज़ अ वेरी डिसिप्लिन एक्टर, ही इज़ अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन। एंड द रीज़न बींग, क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्होंने एक बार अपनी फिजिक ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसे वापस वेट बढ़ाया, फैट परसेंटेज बढ़ाया, तो वापस उनको वो फिटनेस लेवल अटेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। सी हेयर कम्स बींग अ स्मार्ट पर्सन हु अंडरस्टैंड्स कि अपनी बॉडी को कैसे उन्होंने ठीक रखना है, हेल्दी कैसे रखना है, फिट कैसे रखना है। मूवी का तो ठीक है, बट keeping apart his personal life as well, कि यार how to keep myself fit throughout the period of time. So आमिर खान बहुत पहले से वर्कआउट कर रहे हैं। जब उन्होंने अपना फैट परसेंटेज पहले इनिशियली बढ़ाया, उसके बाद जब वो उन्होंने उस फैट परसेंटेज को रिडक्शन करना था, ही वर्कआउट स्ट्रेनसली, लेकिन उनकी मसल्स जो थी वो पहले ही डेवलप्ड थी। सी उन्होंने सिर्फ अपना एक फैट परसेंटेज अपनी बॉडी में बढ़ाया था, जिस वजह से उनकी मसल्स वर नॉट दैट विजिबल। सो जब उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, जब उन्होंने अपना रेजीम स्टार्ट करा, व्हेन ही फॉलोड अ साउंड न्यूट्रिशन, साउंड डाइट टू कट ऑफ ऑल द फैट्स, जितने भी फैट्स थे उनके बॉडी में उनको कट डाउन करने के लिए, उनकी फिजिक और निखर के आई, एस्थेटिकनेस और आया, एक रेसलर की बॉडी उनको मिली। एंड देन अगेन इसमें आता है आपका न्यूट्रिशन का पार्ट, कि आपका न्यूट्रिशन कैसा है। सो आमिर खान ने ही फॉलोड अ डाइटिशियंस एडवाइस, अपने ट्रेनर्स की एडवाइस फॉलो करी, देन ही हैड टू एक्ट लाइक अ रेसलर, तो उनको रेसलिंग मूव्स भी करनी थी, तो उनका रेसलिंग रिजीम भी अलग होता था। आमिर खान ने, जहाँ तक मेरे को लगता है, सप्लीमेंट्स तो इंडस्ट्री में यूज़ होते ही हैं फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्स तो हर कोई यूज़ करता है जस्ट टू गेट एस्थेटिकनेस आउट, जस्ट टू गेट एडिशनल मसल मास इन द बॉडी। सो सप्लीमेंट्स आर वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग एज वेल एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रिटी इंडस्ट्री और द फिट आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट स्टेरॉइड्स, आई डोंट थिंक आमिर खान ने स्टेरॉइड यूज़ करे हैं, बिकॉज द टाइप ऑफ पर्सन ही इज, द टाइप ऑफ डिसिप्लिन एस्पेक्ट, ही एनालाइजेज ईच एंड एवरी थिंग। आई डोंट थिंक कि उन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ करा है, क्योंकि इसका रैशनल रीज़न यही है कि ही हैज़ बीन वर्किंग आउट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत टाइम से वो वर्कआउट कर रहे थे, एंड दंगल के लिए उन्होंने जितना भी एडिशनल फैट एक्यूमुलेट करा था, उस फैट को उन्होंने बस रिड्यूस करा और उनकी मसल मेचोरिटी वापस आ गई। सो That's all for today, guys. I just wanted to convey to you कि आमिर खान की दंगल की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, that was all but natural. He is a very hardworking, he is a very sincere person in his work. So इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है फ्रेंड्स, फिजिक बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपकी एक महीना नहीं, दो महीना नहीं, तीन महीने नहीं, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस, इट टेक्स डिसिप्लिन, एंड ऑफकोर्स इट टेक्स मनी। दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज, दिस इज Gagan signing out.